व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। सो दोस्तों, आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है द इनविजिबल मैन। तो चलिए मूवी की शुरुआत करते हैं। मूवी शुरू होती है और हमें काफ़ी बड़े विले को दिखाया जाता है, मतलब एक काफ़ी बड़ा घर को दिखाया जाता है, जिसमें हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम होता है कैसी, जो कि अपने बॉयफ्रेंड एंड्रियो के साथ सो रही होती है। लेकिन तभी वह अचानक से उठ जाती है और वहाँ से भागने की तैयारी में लग जाती है। अब वो यहाँ से क्यों भाग रही है ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। वो धीरे से बेड से उठती है और वहाँ से अपनी दवाइयाँ लेती है और नीचे बेसमेंट में जाती है, जहां पर वो सारे अलार्म को ऑफ कर देती है, जिससे कि एंड्रियो को पता ना लगे कि वो यहां से भाग रही है। यहाँ पर बेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा हाईटेक गैजेट रखे होते हैं और ये उसका मतलब कि एंड्रियो एक काफ़ी ज़्यादा अमीर आदमी है, ये सारी चीज़ें देखने से पता चलता है। वेल गाइस, अब कैसी पार्किंग से भागती है, लेकिन उसके डॉग की वजह से पार्किंग में खड़ी कार का जो सेंसर है वो ऑन हो जाता है, जिससे कि वो बजने लगता है और एंड्रियो जाग जाता है। अब कैसी वहाँ से बहुत तेज़ी से भागती है और दीवार पर चढ़कर रोड की तरफ पहुँच जाती है। तभी उसकी बहन एमिली वहाँ पर कार लेके आ जाती है, लेकिन इतनी जल्दी में गलती से जो उसने दवाई ली थी वो वहीं गिर जाती है और तभी वहाँ पर एंड्रियो आ जाता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है, यहाँ तक कि वो कार का शीशा भी तोड़ देता है और कैसी को खींचने लगता है। लेकिन एमिली और कैसी किसी तरह से कार को लेके यहाँ से निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। और हम 2 हफ्तों के बाद का समय देखते हैं, जहाँ पर कैसी अपने दोस्त जेम्स के घर पर होती है और उसकी बेटी सिडनी के साथ रहती थी। वेल, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जेम्स एक पुलिस वाला होता है, तो वो उसके साथ अपने आप को थोड़ा सेफ फील करती थी, इसलिए वो यहाँ पर रह रही थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि कैसी अपने बॉयफ्रेंड से बहुत ज़्यादा डरी हुई है और जेम्स उसे घर से बाहर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि वो कई दिनों से घर से बाहर नहीं गई है। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती है और ये सारी बातें सुनकर कैसी डिसाइड करती है कि वो बाहर जाएगी, लेकिन वो जैसे ही बाहर जाती है वो एक आदमी को अपनी तरफ आते हुए देखती है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो भाग कर तुरंत ही घर में आ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, जिससे कि वो काफ़ी डरी और सहमी हुई लग रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि जेम्स के घर पर एमिली आती है, जो कि कैसी की बहन थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया। लेकिन उसे देखकर कैसी काफ़ी ज़्यादा नाखुश होती है और जेम्स से बोलती है कि यहाँ इसे नहीं लाना चाहिए था, क्योंकि एंड्रियो तुम्हें फॉलो कर रहा होगा और उसे पता लग जाएगा। लेकिन तभी एमिली उसे एक न्यूज़ दिखाती है अपने फ़ोन में, जिसमें लिखा होता है कि ऑप्टिक कंपनी का मालिक, जो कि होता है एंड्रियो, उसने आत्महत्या कर लिया और उसकी मौत हो गई है। अब ये देखकर कैसी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है और वॉशरूम में जाके खुद को बंद करके बैठ जाती है। और जिसके बाद हम जेम्स, कैसी, एमिली को देखते हैं, जो तीनों एक साथ बैठ के बातें कर रहे होते हैं और कैसी से पूछते हैं कि तुम एंड्रियो के घर से क्यों भाग रही थी। तो वो बताती है कि उसने पूरी तरह से मुझे कंट्रोल करके रखा हुआ था कि वो क्या खाए, क्या पहने, मतलब एक तरह से वो बहुत ही ज़्यादा पॉजेसिव था और इन सब चीज़ों को लेके वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, यहाँ तक कि वो मुझे किसी से मिलने भी नहीं देता था और मैं क्या सोचती हूँ, क्या खाती हूँ, इस हर चीज़ के बारे में उसको जानना था। वो चाहता था कि हर चीज़ उसकी मर्ज़ी से हो, जिससे कैसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। तो यहाँ पर अब एमिली कैसी से बोलती है कि अब एंड्रियो मर चुका है, तो तुम अब सेफ फील कर सकती हो, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम जेम्स, सिडनी और कैसी को देखते हैं, जो कि जेम्स कैसी को एक लेटर देता है जो कि उसके नाम पर आया होता है। लेकिन वो लेटर देख कर कैसी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो यहाँ पर रह रही थी, तो ये लेटर किसने भेजा है। इसके बाद हम एमिली और कैसी को एक ऑफिस में देखते हैं, ये ऑफिस होता है एंड्रियो का, जहाँ पर उसके लॉयर ने इन दोनों को वहाँ पर बुलाया था। अब एंड्रियो का जो लॉयर होता है वो कैसी से बोलता है कि एंड्रियो ने तुम्हारे लिए एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी, जिसमें तुम्हें $50,00,000 और इस्टेट के कुछ शेयर देना चाहता था। लॉयर बोलता है कि कैसी, तुम इन पेपर पर सिग्नेचर कर दो ताकि तुम्हारे बैंक में पैसे ट्रांसफ़र होना चालू हो जाए। अब यह सुनकर कैसी सोच में पड़ जाती है कि वो क्या करे। इसके बाद हमें जेम्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ पे एमिली एक कमरे में कुछ कपड़े सही कर रही होती है और तभी उसके पीछे से कुछ हलचल होती है और जिससे कि वो फिर से बुरी तरह से डर जाती है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर कर देती है। इसके बाद वो सिडनी के साथ उसी के रूम में सो जाती है, क्योंकि वो डर चुकी थी। लेकिन उसके सोने के थोड़ी देर बाद ही उसकी ब्लैंकेट कोई धीरे धीरे हटा रहा था और फिर कैसी घबरा कर अचानक से उठ जाती है और वहाँ एक डमी के अलावा कुछ नहीं होता, मतलब उसकी ब्लैंकेट कौन खींच रहा था वो देख नहीं पाई। उसे लगता था कि शायद ये हवा की वजह से ब्लैंकेट हट गई होगी, लेकिन जब वो ब्लैंकेट को लेने के लिए दोबारा जाती है तो मानो किसी ने उसे ब्लैंकेट को अपने पैरों से दबा रखा होता है। ये देखकर कैसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, जिससे कि सिडनी जाग जाती है और तभी वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। कैसी जेम्स से बोलती है कि मैंने यहाँ पर किसी को देखा है, लेकिन जेम्स बोलता है तो यहाँ पर तो कोई नहीं है। जेम्स उसे बोलता है कि ये तुम्हारा एक वहम हो सकता है, तुम सो जाओ, आराम करो, और ये बोल के जेम्स वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद कैसी एक जॉब के लिए एक ऑफिस में इंटरव्यू देने जाती है और वो इंटरव्यू वहाँ पर ख़राब हो जाता है क्योंकि अचानक से कैसी की तबीयत ख़राब होना चालू हो जाती है। इसके बाद वो जेम्स के साथ डॉक्टर के पास जाती है अपना चेकअप कराने के लिए और वहाँ पर उसे पता चलता है कि उसे एक बीमारी हो गई है जिसका नाम है डाइजा पाम। वेल बहुत ही अजीब नाम है। वेल इस बीमारी में क्या होता है कि वो अचानक से बेहोश होने लगती है, तो इस वजह से डॉक्टर उसको एडवाइस देते हैं कि वो ज़्यादा टाइम घर पर ही रहे। केसी अपने डॉक्टर से बात करके अभी फ़ोन रखती है कि उसे वहाँ पर बेसिन पे रखी दवाई का बॉक्स दिखता है जो कि एंड्रियो से भागते हुए उसने वहीं छोड़ दिया था और उस बॉक्स पर उसे एंड्रियो का खून के धब्बे भी दिखते हैं और ये सब देखकर वो काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ जाती है कि ये बॉक्स यहाँ पर कैसे आ सकता है जो कि उसने उसी टाइम वहीं पर छोड़ दिया था। वेल इस बात को इग्नोर करके वो जेम्स के साथ एंड्रियो के भाई टॉम के ऑफिस जाती है और उसे बोलती है कि तुम एंड्रियो को बोलो कि मेरा पीछा करना बंद कर दे, लेकिन टॉम बोलता है कि वो मर चुका है। लेकिन कैसी नहीं मानती है, वो बोलती है कि अगर वो मर चुका है तो ये मेरी दवाई मेरे वॉशरूम में कैसे आ गई, जो कि एंड्रियो के घर से भागते हुए वहीं पर गिर गई थी। और यहाँ पर कैसी टॉम से बोलती है कि ज़रूर एंड्रियो ने गायब होने का कोई तरीका ढूंढ लिया है जिस पर वो काम कर रहा था, जिससे कि वो गायब हो सकता है और मुझे परेशान कर रहा है। कैसी बोलती है कि उसने बहुत सी चीज़ें इन्वेंट की है और उसने अब एक नई मशीन भी बना ली होगी जिससे कि वो गायब हो सकता है। वेल इसके बाद हम देखते हैं कि टॉम कुछ पिक्चर्स दिखाता है जो कि एंड्रियो की डेड बॉडी की होती है और वो उसे प्रूफ करना चाहता था कि फाइनली एंड्रियो मर चुका है। लेकिन कैसी को ये सब देखने के बाद भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि एंड्रियो अभी भी जिंदा है। अब इसके बाद केसी वहां से एमिली के घर पर जाती है और उसे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एमिली उसके साथ काफ़ी बुरा बर्ताव करती है। वो उसे बोलती है कि यहां से सीधा तुम अपने घर चली जाओ और ये सब देखकर केसी को कुछ समझ नहीं आता। वो बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, तो एमिली बोलती है कि तुमने मुझे सुबह एक मेल भेजा था जिसमें तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें मेरा साथ बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये सुनकर केसी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि मैंने ऐसा कोई ईमेल भेजा ही नहीं है तुम्हें। लेकिन एमिली उस पर बहुत गुस्सा होती है और घर का गेट बंद करके उसे बाहर निकाल देती है। और जब कैसी घर आकर अपना मेल चेक करती है तो उसे वो ईमेल दिखता है जो कि एमिली को भेजा गया था, लेकिन उसने तो ऐसा कोई ईमेल नहीं भेजा है, तो ये ईमेल किसने भेजा है? वेल गाइस, ये आपको आगे पता चलेगा। अब ये सब देखने के बाद वो बहुत देर तक रोती है क्योंकि अब एमिली उसकी बहन भी उसका साथ छोड़ चुकी थी। और फिर उसके रूम में सिडनी आ जाती है और पूछती है कि तुम रो क्यों रही हो, और तभी इनके बात के बीच में सिडनी को अचानक से कोई चाटा मारता है और वो रोने लगती है। यहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि कैसी ने उसे चाटा मारा, लेकिन कोई इनविजिबल आदमी ने उसे ऐसा लग रहा था कि चाटा मारा है। अब कैसी बार बार उसे बोल रही थी कि उसने उसे नहीं मारा, लेकिन वो उस पर यकीन नहीं कर रही थी। तभी वो चिल्लाने लगती है और वहाँ पर जेम्स भी आ जाता है। वो जेम्स से बोलती है कि मैंने इसे नहीं मारा, ये सब ज़रूर एंड्रियो कर रहा है जो कि गायब होकर उसे परेशान करना चाहता है। यूँ सुनने के बाद जेम्स काफ़ी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कैसी धीरे धीरे पागल हो रही है, उसका जो दिमागी संतुलन है वो खो रही है और वो उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है। अब सिडनी को लेके वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद कैसी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप से परेशान हो जाती है, उदास हो जाती है, तो वो किचन में जाके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है और बोलती है कि आओ मुझे मारो, कहाँ छुपे हो तुम। इसके बाद वो अपने रूम में जाती है और दरवाजे पर उदास होकर बैठती है और पूछती है कि मैं ही क्यों। उसे ऐसा लगता था कि ये सब जो भी हो रहा है वो एंड्रियो कर रहा है, लेकिन हमें पहले पता चला था कि एंड्रियो मर चुका है। वेल इसके बारे में हमें आगे पता चलेगा कि ये आदमी कौन है जो कि इनविजिबल होकर कैसी को परेशान कर रहा है। और अब वो एंड्रियो के नंबर पर उसे कॉल करती है और वो कॉल लग जाता है। फ़ोन की वाइब्रेशन सुनाई देती है जो कि ऊपर दीवार से आ रही थी। वो सीढ़ी लगा के ऊपर देखने जाती है और फिर से एंड्रियो के नंबर पर कॉल लगाती है और उसका फ़ोन उसी जगह पर वाइब्रेट होता है। और जब वो फ़ोन खोलती है तो उसमें उसकी और सिडनी की सोते हुए काफ़ी सारी तस्वीरें होती है। इसके बाद वो यहाँ पे एक पॉलीथीन में रखा हुआ चाकू भी मिलता है और एक किताब भी मिलती है जिसमें किसी का घर का नक्शा बना हुआ था। तभी उसे वहाँ पर एक फ़ोन से मैसेज आता है और जो कि अननोन नंबर से होता है और उस पर लिखा होता है कि सरप्राइज। और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। जब वो नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। ऐसी वहाँ पर एक रखा हुआ पेंट उसी नीचे फेंक देती है जिससे कि इनविजिबल आदमी के ऊपर जाकर वो गिर जाता है और वो आदमी दिखने लगता है। और ये देखकर केसी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है, वो पीछे हट जाती है और जिसके बाद वो इनविजिबल आदमी का पीछा करना चालू कर देती है और किचन में पहुंच जाती है और देखती है कि उस आदमी ने पेंट को धो दिया है और फिर से अब वो गायब हो चुका है। तभी अचानक से दोस्तों वो आदमी उसका गला दबाने लगता है और उसे उठा उठा कर ऊपर हवा में काफ़ी बुरी तरह से मारने लगता है। और अब कैसी जैसे तैसे उसे बच के वहाँ से भाग कर घर से बाहर जाती है और एक कार में बैठ के वहाँ से सीधा एंड्रियो के घर पहुँच जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि इन सब के पीछे एंड्रियो का हाथ है।
और वहाँ पर उसे एंडियो का डॉग भी दिखता है। अब कैसी सारे सामानों को देखना चालू कर देती है कि क्या यहाँ पर कुछ अजीब चीज़ है। वो नीचे बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसे एक मशीन दिखती है, और जब वो मशीन को चालू करती है तो हम देखते हैं कि वहाँ पर एक सूट रखा हुआ था जिसे पहनकर कोई भी इनविजिबल हो सकता था। मतलब एंड्रियो ने एक सूट बना लिया था और इन सब के पीछे एंड्रियो था जो कि ये सूट पहनकर गायब होकर कैसी को परेशान कर रहा था। कैसी इस सूट को लेकर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसका डॉग जो उसका कुत्ता होता है वो भौंकना चालू कर देता है और उसे पता लग जाता है कि एंड्रियो यहाँ पर आ चुका है। कैसी धीरे से एक अलमीरा के पीछे छुप जाती है, लेकिन वो बाद में पकड़ी जाती है और वो आदमी उसे अलमीरा से बाहर फेंक देता है। इसके बाद कैसी वो सूट वहीं छोड़कर वहाँ से कार से भाग जाती है। वो कार में ही एमिली को फ़ोन लगाती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। जब एमिली उसे मिलने आती है तो वो एमिली को बताती है कि वो अभी भी एंड्रियो के घर से आई है और उसने वहाँ कुछ ऐसा देखा है जिससे कि वो साबित कर सकती है कि ये सब जो भी हो रहा है वो एंड्रियो कर रहा है। अब ये दोनों के बीच में बात हो ही रही होती है कि अचानक से उसी टेबल पर रखा हुआ चाकू हवा में उड़ने लगता है और जाकर एमिली का गला काट देता है, और इनविजिबल मैन वो चाकू कैसी के हाथ में फेंक देता है जिससे कि सभी को लगे कि एमिली को कैसी ने मारा है। अब एमिली की वहीं मौत हो जाती है और इसके बाद वहां पुलिस आती है, एमिली को पकड़ कर ले जाती है। एमिली बार बार बोल रही थी कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं है। इसलिए अब एमिली काफ़ी ज़्यादा शोर मचाती है तो उसे हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा के वहीं सुला दिया जाता है। एंड्रियो का भाई होता है और उसका लॉयर भी होता है, और यहाँ पर कैसी को लॉयर की ज़रूरत थी, पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए वो उससे पैसे मांगती है। लेकिन वो लॉयर उसे बताता है कि एंड्रियो की कंपनी किसी ऐसे इंसान को पैसे नहीं दे सकती जिसमें क्रिमिनल चार्ज लगे हों, उसे देने से मना कर देता है। जिसके बाद वो उसे कुछ पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है तो कैसी भी साइन करने से मना कर देती है और पेपर उठाकर वहीं फेंक देती है। टॉम इसके बाद यहाँ से चला जाता है और रात में केसी शावर लेने जाती है, वहाँ पर उसे दरवाजे के ऊपर एक पेन लगी हुई दिखती है जिससे कि वो ज़ोर ज़ोर से अपने आप को मारने की कोशिश करती है। एक्चुअल में दोस्तों वो अपनी जान लेना चाहती थी क्योंकि कैसी इन सबसे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी, और तभी वहाँ पर वो इनविजिबल मैन आ जाता है और उसे रोक लेता है उसकी जान लेने से, और कैसी उसी पेन से उसे बहुत ही ज़ोर ज़ोर से मारती है जिससे कि वो इनविजिबल मैन उठाकर उसे दूर फेंकता है। अब ये सब शोर सुन के वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस ऑफिसर को भी वो इनविजिबल मैन दिखने लगा था क्योंकि उसके सूट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, और यहाँ पर इनविजिबल मैन और उस पुलिस वाले के बीच में लड़ाई होना चालू हो जाती है जिसका फ़ायदा उठाकर कैसी वहाँ से भागना चालू कर देती है। वो भाग रही होती है लेकिन तभी वहाँ पर दो ऑफिसर उसे पकड़ लेते हैं और वापस जेल के अंदर ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इनविजिबल मैन आ जाता है और यहाँ पर दोस्तों उसका सूट खराब हो चुका था, इसलिए वो जो दो पुलिस वाले होते हैं वो भी उसे देख लेते हैं और यहाँ पर इन दोनों के बीच में भी लड़ाई होना चालू हो जाती है। तो यहाँ पर सभी को मारने के बाद वो इनविजिबल आदमी यहाँ से भाग जाता है और कैसी एक ऑफिसर की बंदूक लेके उसका पीछा करना चालू कर देती है। कैसे उसे देखती है और बंदूक तान देती है, और तभी वो आदमी आता है और कैसी का गला पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम मुझे हराना चाहती हो ना, अब तुम एक मासूम लड़की की मौत की वजह बनोगी। दोस्तों यहाँ पर वो सिडनी की बात कर रहा होता है, इसका मतलब अब वो सिडनी की जान लेने वाला है जिसका सारा इल्ज़ाम वो केसी पर डालना चाहता है। तो यहाँ पर केसी एक गाड़ी निकाल कर सीधा सिडनी के पास जाने लगती है और फिर वो जेम्स को भी फ़ोन करती है और बोलती है कि सिडनी की जान खतरे में है, तुरंत ही घर पहुँचो। लेकिन जब तक ये दोनों घर पहुंचते वो इनविजिबल आदमी भी घर पहुंच चुका था और वो सिडनी को पकड़ लेता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ पर जेम्स अपनी कार से पहुंच जाता है और वो जैसे ही घर के अंदर घुसता है वो इनविजिबल आदमी उस पर हमला कर देता है। वो जेम्स को नीचे ज़मीन पर पटक देता है और बुरी तरह से मारना चालू कर देता है, लेकिन तभी वहाँ पर केसी भी पहुँच जाती है और उस पर स्प्रे करती है जिससे कि वो आदमी दिखने लगता है, और जैसे ही वो आदमी उसे दिखता है वो बंदूक से उस पर कई गोलियाँ मारती है और वो आदमी वहीं घायल होकर गिर जाता है। उसका मास्क हटाती है तो उसके अंदर कोई और नहीं बल्कि एंड्रियो का भाई टॉम होता है जो कि ये लॉयर था। ये देखकर कैसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पे बैठ जाती है। अब ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है और इसके बाद हम अगली सुबह का सीन देखते हैं जहां पर एंड्रियो के घर पर पुलिस ने छापा मारा था, जिसमें पुलिस वालों को एंड्रियो एक बेसमेंट में बंधा हुआ दिखता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके बाद हम जेम्स कैसी और सिडनी को देखते हैं। जेम्स कैसी को बताता है कि पुलिस ने एंड्रियो को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाया था आज सुबह और उसे ढूंढ लिया गया है। यहाँ पर हमें पता चला है कि उसके भाई टॉम ने उसे कैद करके रखा था और जो इनविजिबल आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि टॉम था, और जो सारे काम कर रहा था वो भी टॉम कर रहा था, मतलब कि एंड्रियो बेकसूर है। लेकिन यहाँ पर केसी को इस बात पर यकीन नहीं होता है, वो जेम्स से बोलती है कि ये सब एक चाल है, मैं एंड्रियो को अच्छी तरह से जानती हूँ
वो अपने भाई पर सारा दोष डालने की कोशिश कर रहा है ताकि वो जिंदा बच जाए। और अब हम रात का समय देखते हैं जहां पर कैसी सिडनी के साथ लेटी हुई थी और वो उठ के एंड्रियो को कॉल लगाती है और उससे मिलने के लिए बोलती है। फिर थोड़ी देर बाद कैसी एंड्रियो के घर पहुंच जाती है मिलने के लिए, वहां पर उसे वो मिल जाता है और वो काफ़ी अच्छी हालात में होता है। अब एमिली उसे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो एंड्रियो उसे बताता है कि टॉम ने मुझे कंट्रोल कर रखा था, उसने मुझे बेसमेंट में बंद कर रखा था, सारी चीज़ें वही कर रहा था। इसके बाद कैसी थोड़ा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। एंड्रियो उसके पास आके उसे समझा है और उसे चुप कराता है और इन दोनों की सारी बातें जेम्स कार में बैठ के सुन रहा था। इसके बाद केसी वॉशरूम जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एंड्रियो टेबल पर रखे हुए एक चाकू से खुद का गला काट लेता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। ये सारी चीज़ें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही थी। केसी जब वॉशरूम से वापस आती है तो ये देखती है कि एंड्रियो मर चुका है और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। वो पुलिस कंट्रोल रूम में फ़ोन लगाती है और यहाँ आने को बोलती है और तभी उसी टाइम जेम्स अपनी कार से भाग कर घर की तरफ आता है और केसी काफ़ी रोती है, लेकिन तभी अचानक से वो चुप हो जाती है और बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है क्योंकि अब वो कैमरा के सामने से हट चुकी थी। जी हाँ दोस्तों, वो दिखाने के लिए रो रही थी ताकि वो कैमरा के सामने रो सके, और जैसे ही वो कैमरे के सामने से हटती है वो बिल्कुल शांत हो जाती है। इसके बाद जेम्स वहाँ पर आता है और कैसी से पूछता है कि कैसी क्या हुआ, तो वो तो बता दे कि एंड्रियो ने खुद को मारा है और ये चीज़ सिक्योरिटी कैमरा में भी रिकॉर्ड हुई है। लेकिन तभी जेम्स की नज़र कैसी के बैग पर पड़ती है और उसके बैग में वही ब्लैक इनविजिबल सूट रखा होता है जिसे पहनने वाला इंसान गायब हो सकता है। तो जेम्स समझ जाता है कि कैसी ने ही एंड्रियो को मारा है वो सूट पहनकर, और जिसकी वजह से उसे किसी ने नहीं देखा है और वो कैमरे में भी नहीं आई है। इसके बाद कैसी बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है और छत पर आ जाती है। मतलब गाइस, यहाँ पर कैसी का बदला पूरा हो चुका है क्योंकि उसे एंड्रियो ने बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था। और मतलब गाइस, आपको ये इनविजिबल मैन मूवी कैसी लगी नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई और मूवी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।